कथा का शीर्षक है राजा कीचक और द्रौपदी की भवावली। एक विराट नाम का नगर, वहाँ का राजा विराट, उसके सुदर्शना नाम की स्त्री तथा उसके यहाँ 5 पांडव व द्रौपदी गुप्त वेश में रहे, अर्थात अज्ञातवास में गुप्त वेश में रहे। युधिष्ठिर तो पंडित बनकर रहे, भीम रसोईया बनकर रहे, अर्जुन नृत्यांगना बनकर, नकुल सहदेव घोड़ों को संभालने वाले बनकर रहे और द्रौपदी मालिन होकर रही। राजा विराट के यहाँ वे सम्मान सहित रहते हैं, यथाशक्ति सुख शांति से सावधानी से गुप्त वंश में रहते हैं। एक चूलिका नाम की नगरी, वहाँ चूलिका नाम का राजा, उसकी विकचा नाम की रानी, उसके 100 पुत्र, उन 100 भाइयों में कीचक बड़ा और दुराचार में भी बड़ा। उसको रूपमद, यौवनमद, चातुर्यमद, शूरवीरता का मद और धन का मद था। ऐसे मदों से वह उन्मत्त था। राजा विराट की रानी सुदर्शना कीचक की बहन होती थी। कीचक बहन से मिलने के लिए विराटपुर आया। वह द्रौपदी को देखकर कामासक्त हो गया। पापी ने यह नहीं जाना कि यह महासती है। कैसी है द्रौपदी? महासुगंधित है शरीर जिसका। उस शरीर की सुगंध से 10 दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं और रूप लावण्य सौभाग्य गुण से युक्त है। उसके दर्शन मात्र से ही कीचक महामानी होने पर भी उसका मन द्रौपदी में आसक्त हुआ और दीनता से अनेक उपाय करके द्रौपदी को लोभ दिखाने लगा। परंतु वह महासती जिसको पर पुरुष तृण समान, उस दुष्टि की बलजोरी से उससे झूठी वार्ता करके विश्वास उपजाया और भीमसेन के पास जाकर कीचक की सारी हकीकत कही। महाधीर भीमसेन रात्रि में द्रौपदी का वेश धारण करके कीचक ने जहां संकेत किया था वहां एकांत में गया। महाकामासक्त उसी को द्रौपदी समझकर तुरंत ही उसके पास आया। जैसे हाथी स्पर्शन इंद्री के वश से होकर गड्ढे में गिरने आता है, वैसे ही वह द्रौपदी समझकर भीम के पास आया। भीम ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ा और वहीं जमीन पर पछाड़ दिया, पैरों से मसला, मुष्टियों का प्रहार किया और जैसे पर्वत पर वज्र पड़ते हैं उसी प्रकार कीचक पर भीम की मुट्ठी पड़ी। वह परदारा रथ कामी कुशील का अभिलाषी उसे अन्याय का फल दिखाकर भीम ने छोड़ दिया। जो दयावंत उज्ज्वल मन है वे ऐसे पापी को भी नहीं मारते, समस्त जीवों पर दया भाव रखते हैं। वह कीचक पाप का फल प्रत्यक्ष देखकर विषय से विरक्त हुआ। उसने एक रतिवर्धन नाम के मुनि के पास जाकर मुनिव्रत ले लिया और भावों की शुद्धता से भावना भाकर शुद्ध रत्नत्रय का आराधन किया और वन में ध्यानारूढ़ हुआ। एक समय एक यक्ष ने उसे देखा, तब यक्ष ने विचार किया कि ये द्रौपदी के प्रति कामासक्त थे, सो अब देखूं कि इनके वैराग्य में कैसी दृढ़ता है। मुनि की परीक्षा के लिए यक्ष ने अर्धरात्रि में द्रौपदी का रूप दिखाया और काम युक्त उन्माद रूप मीठे शब्द सुनाए, परंतु वे साधु उसके शब्द सुनकर भी बहरे के समान हो गए, उसका रूप देखकर भी अंध समान हो गए। रूप महामनोहर, विलास रूप, परंतु अंधा कैसे देखे। महासुंदर श्रृंगार रस से युक्त शब्द, परंतु बहरा कैसे सुने। कैसे हैं कीचक मुनि जिन्होंने इंद्रिय समूह को वशीभूत किया है,
जिनका मन शुद्ध हुआ है उसी समय कीचक मुनि को केवल ज्ञान हुआ। तब यक्ष देव ने उन्हें नमस्कार करके क्षमा याचना की और पूछने लगा कि प्रभो, आपका द्रौपदी के ऊपर मोह होने का क्या कारण है? तब कीचक केवली अपने और द्रौपदी के कितने ही पूर्वभाव कहते हैं, हे यक्ष, यह तरंगणी नाम की नदी जिसमें वेदवती नाम की नदी का मिलाप हुआ है, उस नदी के किनारे महादुष्ट शूद्र नाम का म्लेच्छ था। वह महापापी, गरीब, जीवों का बैरी, वह मैं साधु के दर्शन से शांत हुआ और मरकर उत्तम मनुष्य हुआ। वहां मेरा नाम कुमारदेव था और धनदेव अर्थात सोमभूति अर्जुन का जीव मेरा पिता और सुकुमारी अर्थात नागश्री जो द्रौपदी का जीव थी मेरी माता थी। ओहो, क्या गजब है, जो द्रौपदी पिछले भवों में कीचक की माता थी, आज उस पर ही वह कीचक मोहित हो गया। कैसा संसार का स्वरूप। और सुनिए आगे क्या कहते हैं केवली कीचक, कीचक भगवान क्या कहते हैं, सुनिए। उस पापिन ने मुनि को आहार में विष देकर मारा। किसने? नागश्री, जो कि द्रौपदी का पूर्वभाव का जीव था। वह मुनि हत्या से नरक में महादुख भोग कर त्र्यंच हुई। इस प्रकार अनेक भाव नरक त्र्यंच आदि के किए मैं कुमारदेव उसका पुत्र म्लेच्छ से मरकर उत्तम कुल को तो पाया, परंतु यति अथवा श्रावक के व्रतों का पालन नहीं किया तो अज्ञान से अनेक भवों में भ्रमण किया। फिर एक सीत नामक तापस, उसकी मृग संगनी नाम की तापसी, उसका मैं मधु नाम का पुत्र हुआ। उस तापस के आश्रम में मैं बड़ा हुआ। फिर एक विनयदत्त नाम के मुनि को किसी एक भाग्यवान पुरुष ने आहार दान दिया। उसके पंचाश्चर्यों का अतिशय देखकर मैं मुनि हुआ और वहाँ से स्वर्ग में गया। वहाँ से आकर कीचक हुआ। कुमारदेव की पर्याय में सुकुमारी अर्थात नागश्री नाम की मेरी माता ने चिरकाल तक संसार भ्रमण करके दुर्भगा दुर्गंधा अनुमति नामक मनुष्यनी होकर महादुख को भोगकर आरिका होकर निदान सहित तप किया, जिसके प्रभाव से देव योनि पाकर फिर द्रौपदी हुई। अनेक भाव में उसके और हमारे संबंध हुए। किसी जन्म में भ्राता, कभी बहन, कभी पुत्री और कभी स्त्री हुई। इस कारण मुझे उसके प्रति मोह हुआ। यह कथा कीचक केवली ने यक्ष से कही। यहाँ गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, इस संसार चक्र के परिभ्रमण में संयोग वह वियोग होता है। माता मरकर बहन होती है, बेटी होती है और स्त्री होती है, और स्त्री मरकर माता होती है, बहन होती है और बेटी होती है। यह संसार चक्र का चरित्र है। ऐसी संसार चक्र की विचित्रता जानकर भव्य जीव वैराग्य को अंगीकार करके मोक्ष के लिए महातप करने का प्रयत्न करो। कीचक ने विषय वासना के तीव्र प्रभाव से मरण तुन्न मार खाई और उससे तीव्र वैराग्य भाव करके मुनि दीक्षा लेकर उग्र आराधना में उपसर्ग से चलित न होकर केवल ज्ञान और मुक्ति की साधना की। जीव अज्ञान भाव से कैसे कैसे आत्मघातक भाव करता है और सम्यक ज्ञान के बल से कैसे अपने को संसार से बचाकर मुक्ति को प्राप्त करता है, इस तथ्य का बोध इस कथा से प्राप्त होता है। देखो, जहाँ दुनिया में यह कीचक कामी और महापापी नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन जैन कथाएं कहती हैं
कि यह वही कीचक है जो भले ही पापी रूप में प्रसिद्ध है, पापी था किंतु उसने पाप का भाव किया, और पाप का भाव कर दे तो वही जीव भगवान भी बन जाता है, सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। ऐसे वे कीचक भगवान जयवंत वर्तें जो आज सिद्धालय में विराजमान है, उनकी जय हो।